सो हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हो गया नेक्स्ट डे, यानी कि सैटरडे, और अभी मैंने कल वाले व्लॉग का एंड भी सुबह किया है, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। बॉस के पीछे काम चेक करें, और वकार ने करना नहीं बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग लाइक डूइंग दैट नाउ। आर्सिक कर चुका है, तो मैं बस अपने लिए एग बना रही हूँ, एग फ्राई कर रही हूँ, एंड साथ क्या खाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं बैठी हुई हूँ अपने फेवरेट स्पॉट पे अपना ब्रेकफास्ट लेके, और साथ लगाऊंगी मैं कोई व्लॉग अच्छा सा, और फिर साथ एंजॉय करूंगी, एंड फिर आपसे मिलती हूँ। हम थोड़ी सी विंडो भी खोल लेते हैं, और ये रहा मौसम अपडेट। नो सन टुडे, सिर्फ हवा चल रही है। ऑल्सो आई सोक सम ब्लैक चिकपीस, यानी कि काले चने। आज ये बनाएंगे हम, माय मोस्ट फेवरेट। तो अभी मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई नेल कलर ही लगा लेते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं लगाया। नेल्स मैंने कल कट कर लिए थे, तो कैसा कलर लग रहा है आप लोग लाजमी बताइएगा। सो अब मैं खाने लगी हूँ बेन एंड जेरीज की कुकी डो फ्लेवर्ड आइसक्रीम। ये मैं बहुत खाती थी यहाँ पे, और आज फाइनली रीयूनाइट हो गई हूँ मैं इसके साथ, एंड आई एम गोइंग टू ईट दिस। ये मैंने कल रात को मंगवाई थी और मैंने खाई भी थी, हालांकि मेरी जो है ना तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने खा ली थी, और अभी हम दोबारा खाएँगे। यम। तो अभी मैंने चने रख दिए हैं प्रेशर कुकर में, और मौसम हुआ है इस तरह का, धूप निकली भी है। अभी शाम को हम शायद पाकिस्तानी स्टोर में जाएँ ग्रॉसरी के लिए, तो यहाँ से चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ से मिल जाएंगी हमें जो चाहिए, पाकिस्तानी शॉप है। तो चलें फिर देखते हैं। तो अपडेट्स कुछ यूँ हैं कि चने प्रेशर कुकर से निकाल दिए गए हैं, और अब उनका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए, फिर उसको भूनना है अच्छी तरह, एंड देन रिमेनिंग जो भी आपको होता है। और बाहर जाने का जो है वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी 5 मेरे ख्याल से बज गए हैं, और 8 बजे वो शॉप बंद हो जाती है। तो अभी खाना बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर रेडी हो फिर जाओ। तो हमने सोचा कि कल हम ना संडे है, तो हम नाश्ता करते ही ना टाइम से चले जाएंगे 11-12 बजे, क्योंकि इस टाइम पे आके ना वैसे ही थोड़ी थकावट और पता नहीं लेजीनेस हो जाती है कि दिल ही नहीं करता जाने का। तो इसलिए फिर कल हम टाइम से जाएंगे, तो मज़ा भी आएगा जाने का, रेडी होने का। तो अभी आज घर का खाना खाते हैं और बैठते हैं घर पे, रेस्ट करते हैं। तो सीन कुछ यूँ है कि सैलेड मैंने काट लिया है, बर्तन रख लिए हैं, चने बस बनने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर रह गई है, और चावल भी बस बॉईल होने वाले हैं। बस बॉईल तो नहीं होने वाले, 10-15 मिनट लग जाएंगे। चीज़ें रेडी करके रख दी हैं, बस फिर सुबह खाते हैं। बहुत भूख लगी है, और ये देखें वो प्रेशर कुकर का ऊपर से जो है ना वो छींटे पड़ गए हैं, एंड द फूड इज रेडी। यहाँ पे राइस बन गए हैं, ये चने बन गए हैं, and now we're going to eat. Can't wait to dig in. 2000 years later. अच्छा मौसम है आज। ये मैंने जूते लिए थे सोमा से लास्ट ईयर आई थिंक, और मैंने पहने नहीं इतने, अभी यहाँ भी पड़े हुए थे तो पहने। मौसम अच्छा हुआ हुआ है, इतनी खास ठंड नहीं है, हवा चल रही है। अभी आप लोग गेस करें क्या टाइम हो रहा है, अभी बज रहा है रात के 9, और देखें लग नहीं रहा, लग रहा है सुबह सुबह का टाइम है। जी मैंने गाड़ी धोई थी। आपने कार वॉश करवाई थी? गुड बॉय। तो सीन कुछ यूँ है कि खाना वगैरह खाने के बाद हमने सोचा कि आज हम डिज़र्ट खाने चले जाते हैं, घर पे बैठे हुए थे। वो कार की छुट्टियाँ ना, सैटरडे संडे, एंड देन ही विल बी गोइंग बैक टू वर्क ऑन मंडे। तो फिर ऐसा हुआ कि इधर आरसिक सो गया, और इधर आरसिक के हाथ मैं भी सो गई, वो कार भी सो गया, हम सब सो गए। फिर जो है हम उठे हैं 8 बजे के करीब,
तो और अब हम जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं, शायद हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे, देखते हैं वैसे कहाँ जाना है। मुझे तो जगह भी भूल गई हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत दिन का पता था। तो अभी खैर 9 बज रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा 9 बज रहे हैं, तो चलें फिर आपको जाके मिलते हैं। डिज़र्ट हमने पिक कर लिए हैं, फ्रॉम डिज़र्ट शॉप का नाम है। एक लिया है हमने चुरोस और एक वॉफल फॉर बकार। मेरा है वो आपका है। सो वी हैव आइसक्रीम्स, लेट्स चेक दिस आउट। ये गाय की वॉफल है, काफ़ी लग रही है। एंड दीज आर माइन, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ठीक है ना। सो आई विल टेल इफ आई लाइक देम आर नॉट। ठंडे हो गए हैं, थोड़े से गर्म होते हैं वैसे। सो वो कार वॉज नॉट लेटिंग मी टेक दिस, के अच्छे नहीं होंगे बट आई लाइक देम, मज़े के हैं। डू वॉन्ट? नो। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक। तो कल का दिन फिर जो हुआ वो मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दिया, तो उसके अलावा ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और आज हो गया नेक्स्ट डे, और आप लोगों को जैसे कल बताया था कि आज हम जाएंगे फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि कल नहीं गए थे। तो बस उसी के लिए मैं हो गई हूँ रेडी, और बाकी सब भी रेडी हैं, बस अभी हम निकल रहे हैं और फिर मिलते हैं। ऑल्सो टुडे संडे, तो आज विकार का लास्ट ऑफ है, कल से ही विल बी बैक एट वर्क। तो हमने सोचा कि आज हम जो है ना वो डिनर भी करते हैं बाहर कहीं पे। सो हम डिसाइड करेंगे फिर कहाँ जाना है, ऑब्वियसली कोई अच्छी जगह ही डिसाइड करेंगे। तो चलें फिर मिलते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, गंदा हुआ है मेरा, इसको भी साफ़ करना है। चलें अब जल्दी से पहनते हैं जूता, आज बाहर मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई गर्मी टाइप। एंड विकार और रिजार से को ना बहुत जल्दी थी, मुझे छोड़ के चले गए। तो चलें हम लाइट्स ऑफ करते हैं, दरवाज़ा लॉक करते हैं एंड निकलते हैं। दिस इज द मौसम टुडे, काफ़ी अच्छा है, संडे है, लोगों ने गाने लगा के घूम रहे हैं लोग। चलें चलते हैं फिर जल्दी से, लेकिन फ्लावर्स छोटे छोटे। आप लोग आ जल्दी थी, मुझे छोड़ के ही आ गए थे। गार्सी चलें, आपको आ जल्दी थी, मुझे छोड़ के ही आ गए अंदर। वैसे अभी आपको क्या हुआ था, आप मुझे अंदर क्यों छोड़ के आ गए थे, मुझे लेके नहीं जाना साथ, लेके जाना है ना। वाह ओके ठीक है, रिजार्स का बैग भी पड़ा है पास, बाबा ना तंग करे उसको, बाबा उसको कह रहे हैं, इशारे करे कि कौन नहीं लेके जाना, बाबा को चाहते ही नहीं मैं साथ जाऊं। तो इधर से ऑलवेज एज ऑलवेज अपना सोने की जो है परंपरा पूरी कर चुका है गाड़ी में। एंड नाउ ही इज हाफ अस्लीप एंड हाफ अवेक, अभी होश में आएगा अंदर जाके चीज़ें देखकर। एंड दिस इज द शॉप जहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी स्टाफ मिल जाता है काफ़ी, हलाल चिकन भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, फ्रूट सारे, वो तो वहाँ से भी खैर मिल जाते हैं, बट जैसे कि ये चीज़ें पाकिस्तानी स्टाइल की, पाकिस्तानी टेस्ट ज़्यादा होता है इनमें। मैंगोज यहाँ से मिलते हैं, वहाँ से इतने खास नहीं मिलते,
और अच्छे खासे एक्सपेंसिव है यहाँ पे, 10.99 का एक बॉक्स। क्या एंड वी आर डन। और भाई हर जगह महंगाई हुई हुई है, जो पाकिस्तान में महंगाई कह रहे हैं ना हुई हुई है, हर जगह ही यही हाल है, हर चीज़ हर जगह महंगी हुई हुई है। सीन कुछ यूँ है आपके, हमने पहले जाना था एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे ऋषिज के नाम से, बट देन वकार ने मुझे एक टिकटॉक दिखाई, उसके फ्रेंड ने रिकमेंड किया एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो उसकी जो टिकटॉक पे उन्होंने जो वीडियो लगाई हुई है ना कि स्ट्रीट फूड सारा लाहौर का, लाहौर इंस्पायर्ड उन्होंने मेन्यू रखा हुआ है, तो वो देख के जो है ना मेरा दिल रुक नहीं पाया, तो हमने सोचा कि हम इसी को ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम आज वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक अच्छा होगा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो अभी हम बस वहीं जा रहे हैं। और मौसम अपडेट आज ये है कि धूप निकली हुई है और हवा भी चल रही है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है आज। एंड दारसिफ भी अब उठ गया। दारसिफ क्या खाओगे आप? पकौड़े? चलो लेट्स सी कि वहाँ पकौड़े मिलते हैं कि नहीं। सो हमारे साथ हो गया एक बैड सीन कि हमने जहाँ जाना था वो रेस्टोरेंट जो है ना 5 बजे बंद हो जाता है, और अभी 6:30 हो रहे हैं। क्या नाम था रेस्टोरेंट का? द ओल्ड बैंक के नाम से था, और अभी हम बहुत डिसहार्ट हुए हैं बिकॉज हमने जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली थी, पाकिस्तानी टेस्ट आ गया था हमारे जहनों में। खैर अब हमने यहाँ पे एक पास एक और जो है ना वो हमने रेस्टोरेंट ढूंढा है, क्या नाम है? द स्टेक लाउंज के नाम से है, तो अभी हम वहाँ जाते हैं। यहाँ भी फर्स्ट टाइम ही जाएंगे, तो चलें आज बस ऐसे ही चेकिंग कर रहे हैं हम रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं, तो चले देखते हैं ये कैसा है, कैसा होता है, लगे खुला मिल जाए अभी ये। बेबी व्हाट आर यू डूइंग? ब्रेड खा रहा है गार से अपनी। शो मी योर ब्रेड। वाह। एंड वी आर हियर। सो दिस इज हाउ द एंट्रेंस इज। देन वी हैव दिस सम स्टेयर। वी हैव द मेन्यू कार्ड। So I'm getting this butterfly chicken and my margarita obviously. Our starters mein I think this would be better. Let's see. And I have some burgers. No, baby. Actually, we won't get any pakoras here. They don't have it. What will you eat now? धोखा हो गया गाइस, आई ऑर्डर्ड मिंट मार्गरिटा एंड लुक व्हाट आई गॉट। पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी, कुछ और ही आ गए। प्रॉन्स तो मैं खाती नहीं, तो मैंने खाए नहीं है, बट दिस डायनामाइट चिकन ये बहुत मजे का है। सो दिस इज माय चिकन। चिकन ये कौन खाता है? ये कौन खाता है? एंड सम पेरी फ्राइज। और बकार का है ये ऑन द टॉप। एंड सम मोर फ्राइज। एंड दिस इज हाउ पीपल आर सेलिब्रेटिंग संडे हियर। वाओ। सो अभी हम रुके हैं स्टारबक्स पे बिकॉज काफ़ी अरसा ही हो गया। आरसिफ कैन यू प्लीज बी क्वाइट फॉर सम टाइम। मीडियम वनीला फ्रैपेचिनो। वनीला क्रीम फ्रैपेचिनो? यस। या ऑफ कोर्स, एनीथिंग एल्स फॉर यू? नो दैट्स इट। दैट्स ग्रेट, जस्ट ड्राइव डाउन। 4.20। बाबा के गाइस। शेयर कर गया। So here comes my vanilla frappuccino. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? No. And इस आर सी की एक्साइटमेंट घर का दरवाजा खोलने की। ये
सो वी आर फाइनली बैक होम और अभी कुछ खास नहीं होगा. आई थिंक आई विल जस्ट ऑर्गेनाइज द थिंग्स जो लेकर आए हैं और उसके बाद वॉच समथिंग ऑन टीवी, मोस्ट प्रॉब्ली व्लॉग्स, क्योंकि आजकल मुझे बहुत व्लॉग्स देखने का शौक चढ़ा हुआ है. एंड अ गुड न्यूज़ एज वेल कि पाकिस्तान का मैं देख रही थी कि PTI हैज़ बीन लीडिंग इन सो मैनी एरियाज, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल PTI सपोर्टर्स, दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज़. और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.